पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहो भाषा नेह कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार हो मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों अभी अभी प्रसंग जारी है जो हो अकले आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। हम विचार कर रहे हैं दिव्य एकाग्र हो जाइए आने का पूरा लाभ उठा लो। भगवान शरीर के रहते रहते आपके मन को प्रशांत कर दे मन की भागा भागी मन की आवारा गर्दी सदा के लिए समाप्त हो जाती है भगवान के उपदेश से। तो सारा दारू मदार हमारी अकल के इरादा पर है। सब मैंने भगवान की ये बात जो के सिद्धांत रूप में है सिद्धांत जैसे दूर दूर चार होती है युग गुजर गए युग गुजर जाएंगे दूर दूर चार ही माने जाएंगे तीन और पांच कोई नहीं कहेगा। इस तरह जो भगवान के अनमोल बोल है मेरे सज्जनों मेरे देवी ये सिद्धांत है अर्थात जो जो सिद्ध किए गए हैं जिनमें पूरी सच्चाई भरी पड़ी है। अच्छा ऐसे ये बहुत चोटी के बोल है जिनका हमारे जीवन के साथ विशेष वास्ता है। आइए ना जरा विचार करें अब ये सिद्धांत क्या है जैसे इरादा है वैसे विचार और जैसे जरा ध्यान दो मेरे बच्चे में क्या बताने जा रहा हूं भगवान की बात आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है और हम इन लोग इस बात से भी वंचित रहे हमें पता ही नहीं इस बात का कि जैसे हम बुद्धि इरादा करेगी बुद्धि का एक ही काम है इरादा करना निर्णय देना डिटर्मिन करना अच्छा डिसाइड करना डिसीजन लेना अच्छा ये हमारी बुद्धि का काम है। जब हम निर्णय कर लेते हैं किसी बात को उसके बाद मन शुरू हो जाता है सोचना विचारने उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए। सुनिए तो जैसे बुद्धि ने निर्णय लिया है अब उसे पूरा भी तो करना है ना। तो मन का ऑफिस क्या है प्लानिंग ऑफिस अब योजनाएं बनाएगा उस निर्णय को पूरा करने के लिए। अच्छा तो मन कैसे सोचेगा जैसे निर्णय हुआ है हाय कितना जरूरी है फिर योजना बनाने के बाद फिर इस शरीर से कर्म ले काम करेगा जो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो सिद्धांत क्या हो गया जैसा निर्णय वैसे विचार जैसा विचार वैसे कर्म जैसा कर्म वैसा फल ये सिद्धांत हो गया पूरा सिद्धांत। एज द डिसीजन सो द थॉट एज द थॉट सो द एक्शन एज द एक्शन सो द रिएक्शन। अच्छा आप इसे काट नहीं सकते क्योंकि ये फैक्ट है फैक्ट को आप नहीं काट सकते उसमें डिफेक्ट नहीं जो फैक्ट होगा उसमें डिफेक्ट नहीं आएगा आएगा फैक्ट कभी डिफेक्ट नहीं होता वरना हम कभी उसे फैक्ट ना कहते। अच्छा सिद्धांत हमेशा सिद्धांत रहेगा युग बदल जाएंगे समय बदल जाएगा अच्छा सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे। इसलिए अब इसी पर तो सब कुछ हमारा आश्रित है। अब दुनिया वालों को पता ही क्यों नहीं ऐसे मूर्खता से अपने जिंदगी के दिन काटते जा रहे हैं। बात बात में इरादे बदल लेती हैं बात बात में विचार बदल जाते हैं कर्म बदल जाती हैं दोस्त बदल जाते हैं। बहुत दुर्दशा है आजकल के जीवों की। परमात्मा दया करे मेरे इष्टदेव दया करे मेरे प्रभु दया करे और जीव को समझा दे कि तेरा कल्याण केवल भक्ति में है। अब ये बात समझती है केवल सतोगुणी
सतोगुणी और रजोगुणी में मुख्य अंतर क्या है? सतोगुणी ध्यान से ना, ध्यान से ये आपकी जिंदगी में काम आने वाली बात है। सतोगुणी कर्म करने से पहले सोचता है इसका परिणाम क्या होगा, रजोगुणी करके सोचता है। बड़ा भारी अंतर हो मेरी देवियों, मेरी सज्जनों, बड़ा भारी अंतर है। सतोगुणी की बुद्धि का विकास हो जाता है, वो यक लख कर कर्म नहीं करता, सोचता है अगर मैं ये कर्म करूं मुझे साधन कौन से लेने होंगे और साधन लेने के बाद मुझे कर्म कैसे करना होगा और उसका फल क्या होगा। सतोगुणी यक लख छलांग नहीं मारता, रजोगुणी क्योंकि मोह में भरा होता है, जितना ज्यादा रजोगुण होगा उतना ज्यादा मोह होगा। है मोह का मतलब स्टिकर, जैसे ये स्टिकर भगवान के आते हैं, हम जहां लगाए चिपक जाते हैं, इस तरह जिसमें मुंह ज्यादा, जिसमें रजोगुण ज्यादा उसमें मुंह ज्यादा, जिसमें मुंह ज्यादा वो चिपका हुआ है, पहले तो अपने शरीर के साथ, फिर अपने शरीर के सुख के लिए मां के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, बहुत बुरा हाल है रजोगुणी का। पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा, पति के साथ भी रजोगुणी, मेरी बेटी बहुत ज्यादा चिपक गई, फिर अपने बच्चों के साथ, फिर कई चीजों के साथ, बड़ा मुश्किल है रजोगुणी का भजन करना, मैं कह दूं असंभव है, क्योंकि उसकी सारी वृत्ति, मन की शक्ति, एकाग्रता, हां इन्हीं प्राणी पदार्थों के संकल्प विकल्प में जा रही है। भगवान रोकती है कि रजोगुणी को ये राज की बातें मत कहो, कोई फायदा नहीं, अपनी वाणी का आप अनादर करवाएंगे। भले ही आपकी मां हो लेकिन रजोगुणी है, पिताजी है रजोगुणी है, सगी बहन है, आपके श्रीमान जी है, मत कहो वो रजोगुणी है, बिल्कुल कदर नहीं करेंगे, उनके अंदर शोर गोल मचा पड़ा आपकी ये बातें, बिल्कुल जिनके अंदर रजोगुण है, मैंने कहा मोह है, वासना है, कामना है, इच्छाएं गए हो, ज्यादातर राग और देश का शोर गोल है, उनमें आपकी बातें, कहावत आपने सुनी नगार खाने में तूती की आवाज, नगार खाने में तूती की आवाज क्या मैंने रखती है, जा इतने इतने वाद्य यंत्र बज रही हूं और उनका शोर गोल हो रहा हो, उसमें तूती की आवाज क्या होगी बेमैनी। इससे जिनकी इतना शोर गोल है कर्मों का, लेने का, देने का, वासनाओं का, हां उनमें आपकी आवाज क्या काम रखेगी। अवल तो झाड़ देगा, बकवासा कर चुप कर, अपने तक रख दू, अवल तो झाड़ेगा आपको, अगर नहीं झाड़ता अंदर ही कहेगी बकवास कर रही है, रब कर चुप कर जाए, या कोई बहाना बनाएगा, मुझे एक बात याद है कि मेरे बाजार में जाना है, वो चला जाएगा, बेकदरी होगी ना। इसी से भगवान अपनी इतनी चोटी की सुखदाई गीता सुनाने के बाद कह रहे हैं, ये राज उससे मत कहे जो जायद ना हो, जो आपिद ना हो, न उससे जो हो बद ज़बान नुक्ता चीन, न उससे जो सुनने का खान, बिल्कुल ना अपनी जबान खुला करो ऐसे विचित्र एवं अजीब व्यक्तियों के सामने, चाहे कितना ही आपका खूनी नजदीकी रिश्ता हो, ना वो इसके योग्य ही नहीं है बेटे, वो योग्य ही नहीं है। छोटी सी चपरासी की नौकरी लेनी होती है, हाँ तो भी लिखा होता है क्वालिफिकेशन, हाय रब्बा मैं बड़ा हैरान हो गया, चपरासी ने करना क्या, घंटे मारनी है, या प्रोफेसरों के स्कूटर या साइकिल स्टूडेंट के रखने होते हैं, या रजिस्टर इधर से उधर ले जाना होता है, उसके लिए भी मैट्रिकुलेट प्रेफरेबल, हेल्दी मैन प्रेफरेबल, ले उसकी भी क्वालिफिकेशन मैंने पढ़ी, एक जिसने पीएल लगना है क्लास फोर में जाना तो भी उसके लिए क्वालिफिकेशन, और ये चोटी का ज्ञान, जिस ज्ञान में छिपी है भगवान, और भगवान खुद कहते हैं जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे पढ़कर, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए, इतना चोटी का ज्ञान, और ज्ञान में छिपी है भगवान, शाबाश, उसके लिए बच्ची विशेषताएं चाहिए। मत कहा करो आप गलती करती हैं, आपको रस आता है इन बातों में, लाभ होता है, तो आप कहते मैं इसको कहूं, पर आप जैसा सतार उसका तो नहीं, आप जैसे कि मन का स्टैंडर्ड या मैयार जिसके साथ बात करो उसका तो नहीं है, हाय रब ने ये क्या कर रखा है। सबकी जीनत जुदा, सबकी फितरत जुदा, सबके मन का स्तर अलग अलग है, सबके मन का स्तर, इसलिए चुप रहा करो और अपनाने पे जोर दो। मैं कह रहा था रजोगुणी करके रोता है,
सतगुणी करने से पहले सोचता, यही अंतर है कि मैं करने तो जा रही हूं, परिणाम क्या होगा? बस आप बच जाएंगे। मैं करने तो जा रहा हूं, परिणाम तो इसमें दुख नजर आता है, आप बच जाएंगे। रजोगुणी में मोह ज्यादा है, वासना ज्यादा है, उससे रहा ही नहीं जाता, कर्म कर लेगा, भले ही बाद में खून के आंसू बहाने पड़े, भले ही जेल में जाना पड़े, भले ही बेइज्जत होना पड़े, लेकिन एक बार कर लेगा। इसलिए भगवान का ज्ञान विचारवानों के लिए है। विचारवान, विवेकवान, ये तीन भगवान ने कहे। गीता का ज्ञान किसके लिए है? विचारवान, विवेकवान, बुद्धिमान, कोई 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 उनके लिए है भगवान का उपदेश। इसलिए भगवान को सातवें अध्याय के शायद सातवें श्लोक में कहना पड़ा, क्या हजारों में होगा कोई? सातवें श्लोक नहीं, ये तीसरा ये चौथा है। हजारों में कोई कोई होगा, आजकल के जमाने में मेरे प्रभु अगर क्षमा करें तो लाखों में होगा कोई, खार खार। ये तो भगवान ने 5,500 वर्ष पहले ऐसा फरमाया, और अब तो लाखों में होगा कोई, खाल खा। जिसको फिक्र असूल कमाल, जिसकी मन में कल्याण की आपकी तरह कामना उठ खड़ी हो। आजकल के गृहस्थाश्रम में कल्याण की कामना कहां, धन की कामना, आप पत्नी की कामना, पति देव अच्छे घरवार की कामना, इज्जत की कामना, बड़ी बड़ी पदवियों की कामना, ये लगी रहती है। ये यहां आने वाली मुझसे पूछती है, बाबा हमारा मस्तक देख, हाँ पुत्र असी फ्रिज ले सकेंगे? हाय ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ रब तू की कर रहे है, इधर देखना इनकी तरफ, मैं फ्रिज ले सकूंगा? कितनी तमन्ना है कि मैं इनको देख के बताऊं कि फ्रिज आनी है कि नहीं आनी। कितने मन में हर बाप आते भी हैं, अगर ना आते तो क्या हाल होता है ब्रह्मा भाई? आते आते फ्रिज याद आती है, और ना आते तो बाबा बेड़ा ही गर्क था। फिर तो पता नहीं क्या क्या मन में तमन्नाएं उठती, क्या क्या इच्छाएं उठती, शाबाश। और छोटे छोटे मेरे बच्चे को भी पूछती हैं, साडे घर भी टीवी आएगी? हाँ पुत्र, अगर बीवी आ गई है तो टीवी भी आ जाएगी। हाय मेरे, कितनी छोटे बच्चे तरसते हैं ये वासनाएं कामनाएं, लेकिन आपको शोभा नहीं देती। आपके मन में ये बात समा जानी चाहिए, मेरी तृप्ति तो मेरे भगवान से गए। इन बातों को लेने में तब मजा है जब तृप्ति हो, तृप्ति तो होनी नहीं। आप अपने मन में कोई कामना उठे भी चाहिए, यही रोकने का तरीका है। मनवा कहीं तृप्ति हो जाएगी, आपका शुभ मन फौरन बोलेगा इनमें तृप्ति तो है नहीं, तो फिर कामना कैसी? फौरन डंडा मार, जैसे कुत्ता आता है तो आपके पास डंडा पड़ा होता है, अब मारती तो नहीं है, डंडा दिखाती है, वो भाग जाता बाहर। इस तरह जरा से काम लोटे डंडा उठाइए, मनवा तृप्ति है क्या इसमें? नहीं। फिर क्यों अपने वक्त जाया करता? अच्छा, फौरन ऐसे मन बैठ जाएगा जैसे दूध के उफान पर हम पानी के छींटे डाल दें, तो दूध का उफान पतीली के तह में चला जाता है। कई बार आपने किया मेरी देवी, फौरन ये विचार भगवान ने, ये विचार भगवान ने दिया, सब कुछ मैंने भगवान से प्राप्त किया है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर मौका नहीं देना मन को, फौरन समझा दीजिए। मनोज में तृप्ति है ही नहीं, इनमें गड़बड़ है मेरे मनुआ। हाँ बस आप परिणाम को देखा करें, काफी मेरी बेटियां देखने लगी है। जितना ज्यादा आप कर्म करने से पहले परिणाम को देखेंगे, परिणाम में आपको नजर आएगा दुख है, परिणाम का आपको प्रतीत होगा इसमें मुसीबत है, इसमें शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, इसमें कोई ठीक नहीं है, फिर क्या होगा? बस फिर काम, फिर बात वही ठप हो जाएगी, वही कभी ठीक नहीं रहेगा। शाबाश, जरूर देखा करें। अगर जल्दी आप बुद्धि को छुड़वा लेना चाहती हैं, बुद्धि को आप आजाद करना चाहती हैं, मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, वह बचा लो अपने जीवन को, ओ मेरी दियो, जीवन जा रहा जी, जीवन भागा जा रहा है, इसको बचाने का तरीका परिणाम देखो, तो क्या होगा? मन में कामना बंद, मन में वासना बंद, मन में विक्षेपता बंद, मन में लेन देन, काफी कर्म, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं,
बंद हो जाएंगे, काफी कर्म काफी वासनाएं यदि आप परिणाम पर नजर मारे तो। चूंकि नजर आएगा इसमें तो दुख है, तो दुख तो मन चाहता नहीं, लो वही खत्म, वही का वही। अभी एक परिवार खड़ा हुआ था, पत्नी आप मेरा फायदा तो धार्मिक रूप में उठाना चाहिए, पर मैं आपके मुंह को देखते रहते हूं इनकार नहीं कर सकता। दुख आता है कि भगवान करेगी मेरी शक्ति किसी और रूप में लगवाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा ध्यान लग जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, मैं भेजा इसलिए गया हूं। लेकिन अब क्या पूछ रहे थे, इस लड़के लड़के की शादी कर दे, पुत्र इसमें शक्ति लगवाते हो, और उन्हें सारी स्कीम बना ली थी कि मंगनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं, निसंयोग ठीक नहीं। अच्छा, ले जैसे मनोमन ठंडा पानी शिवलिंग पे पड़ गया हो, मनोमन ठंडा पानी शिवलिंग के ऊपर पड़ गया है, ठीक नहीं, ठीक नहीं। अच्छा देख लो, अब ये शक्ति अपने में लगवाओ, इन बातों में नहीं लगवाओ कि हमारा हमारा कल्याण हो जाए, हमारी बेहतरी हो जाए। ये अगर भगवान ने किसी कुछ दिया है तो इस रूप में लगवा लो। अब निर्णय हुआ क्या, भविष्य ठीक नहीं, संयोग ठीक नहीं, सारी बात रह गई, वरना डब्बे लाए बैठे थे कि हाँ करने हैं, एक डब्बा तू देवी, दो डब्बे मैं देवांगी, और डब्बे रह गए जेब बिच, और वहीं वहीं क्यों, परिणाम ठीक नहीं, सारी स्कीम फेल। सतोगुणी जीव परिणाम पे देखता है, सतोगुणी मेरी देवियां परिणाम को देखती है। हां तो क्या होगा, अक्ल हो आजाद जन जाल से। पहले क्यों फंसी, पहले फंस गई, हमने परिणाम नहीं देखा, यक लक्ष कर्म करने की कोशिश की, यक लक्ष फौरन कामना आई हमने कर्म किया फंस गए, फौरन वासना आई उस पर कर्म किया फंस गए। अब भगवान की मेहरबानी से कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अब जब ये आता है, अंजाम कहते हैं परिणाम को बेटे, अंजाम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट को, कि मैं कर्म तो करने जा रही हूं पर लेट मी सी इट्स रिजल्ट, लेट मी सी दी कॉन्सिक्वेंसेस। अब अकल आपकी आजाद हो जाएगी, जो इस बात पे सोचता रहता है कि मैंने परिणाम में दुख देखा है, नहीं करेंगे। वैसे अभी परिवार कह रहा था फिर तो बात मुश्किल हो गई। हाँ जी हाँ ठीक है बिल्कुल, अगर इनका भविष्य ठीक नहीं है तो बस सब कुछ तो हम सुख शांति आराम के लिए करते हैं, और इनका संयोग ही ठीक नहीं जचता ना। इसी तरह अगर आप ये विचार करते रहे इसका परिणाम क्या होने वाला है, बस मौज बाहर, कितना अच्छा मेरे बेटे, हमारे देश के हिंदू धर्म में परिणाम पे बड़ा जोर दिया गया है, बड़ा जोर दिया गया है, इतना किसी भी धर्म मजहब ने जोर दिया जितना वैदिक सनातन धर्म में जोर दिया है, परिणाम देखो रे, अरे कुछ करना है तो उसका रिजल्ट तो देखो। पर देखते सतोगुनी है, जिनका मन शांत है, जिनके मन में भटकन है, उनसे रहा ही नहीं जाता। एक बार शादी तो कर लेने, फिर बाद में देखेंगे, आप लड़ने आए कह रहने आए बाद में, ना पहले नहीं सोचना। मुझसे बेटियां बोलती भी रहती हैं, मेरे भाई बोलते भी रहती हैं, गिरधर की कुंडली कितनी बार बोली होगी लेकिन नहीं, मन में नहीं बसती। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए, जग में हो तनसाए मन में चैन न पाए, खान पान सम्मान मन में एक को न पाए। बोलते भी है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए। ये तो सतोगुणी के लिए कहा गया। तो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जितना आप कर्म करने से पहले सोच लेंगे मौज बहार, बड़ी जल्दी आपकी बुद्धि छूट जाएगी। प्रसंग है जो हो अकल आजाद जंजाल से, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। बड़ी अजीब वृत्ति बनाई भगवान ने, क्या मोह की, मोह किससे, मूर्ता का शब्द है, मोह शब्द मूर्ता से बना है, मूड अर्थात बुद्धि पे आवरण आ जाती है, जैसे मेरी आंखों के आगे गिग्गे आ जाए और जम जाए नीचे के ऊपर के, तो मुझे नजर आंखों में नूर तो है
आंखों में ज्योति तो है लेकिन काम नहीं करेगी, क्योंकि दोनों जो मेरे पर्दे गए आंखों के बंद हो गए, तो अंधों की तरह मैं व्यवहार करूंगा, ठोकर खाऊंगा। इसी तरह सजनों अंदर की आंख बुद्धि है, बुद्धि मोह से बंद हो जाती है। आया 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 आंखों को बंद करने की गिगे होती हैं, हाँ, और बुद्धि को दरवाजा बंद करने का मोह होता है। समझ लो भगवान जी की वाणी, समझ ली मेरे बच्चे, ओए अपना कल्याण कर ले, नारी का चोला लिया आपने गलती से, भूल से लिया, कोई खुशी की बात नहीं है, तो आप इसमें कल्याण कर लो, बड़ी अच्छी बात। आप जितनी जल्दी उसे कल्याण कर लो, आपने सेब लाए, सेब का 5 रुपए का सेब लाए हो, हाँ, आपने उसके 2 फाड़ किया, हाँ, गला हुआ है, कोई बात नहीं बेटी, 1/4 गला हुआ है, इसको काट के परे फेंक दो, अच्छा बाकी का प्रयोग कर लो, धो लो जरा अच्छी तरह, प्रयोग कर लो। जो आयु गई नारी चोले में तो गई, अब राख रही को जो रह गई है बाकी 1/4 जितना भी हमारे खाए, और उसको हम भगवान की ओर लगा ले, उसको हम अपनी भक्ति कमा ले। मैं बार बार आपसे कहता जा रहा हूं, कहता रहूंगा जब तक एक भी श्वास इस शरीर में अवशेष है, इसी में हम सबका कल्याण हो जाएगा। जो हमें मां बाप ने, ब्राह्मणों ने या हमारे हितैषियों ने नहीं बताई, मैं तो फंसाने की कोशिश की गई, हमें कामी बनाया गया, क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनाया गया, और ये वृत्तियां बुद्धि पर आवरण डाल देती हैं, है बुद्धि पे आवरण। कहती हैं जिसके घर में चोर आ जाए ना, सबसे पहले वो मेन स्विच को बंद कर देती हैं। अब मेन स्विच अंदर लगवाने लग गया, पहले बरामदे में लगते थे, भी आग लग जाए तो बाहर लग गए, अंदर लगे। अब ये होती है कि जगह बरामदे में लग गए तो चोर अंदर दीवार फांद करके आया तो पहले मेन स्विच बंद कर देगा, क्योंकि जब आप खटखट सुनेंगे तो लाइक करेंगे, तो लाइक कैसे, तो मेन स्विच ऑफ है। इसी तरह याद रखना, जैसे मेन स्विच चोर आके घर में बंद करते हैं, बरामदे में लगे होते हैं, हाँ, इस तरह कोई भी वृत्ति जो काम बढ़े, क्रोध बढ़े, पहले हमारा मेन स्विच बंद हो जाता है, बुद्धि बंद हो जाती है। जाहिर हुई अकल आया जवान, हमारा मेन स्विच तो हमारी बुद्धि है, अच्छा, इसी के अनुसार तुम्हारे मन चित्त अहंकार और बाहर के अंग काम करती है देवी हो। ये बंद कब होती, जब भगवान का ज्ञान न मिले, भगवान का ज्ञान मिले तो उससे कारण पता लगता है उचित क्या है अनुचित, वो करना उचित हम अनुचित समझते कैसे, ये तो मैं कुछ अब देखिए भगवान ने कृपा कर दी, जो ही भगवान का ज्ञान आया तो फौरन ये बात मिली, क्या चीजें मैं लेके आया था, नहीं, क्या मैं लेके पैदा हुई थी, नहीं, और जाति बार इनको लेके जाऊंगी, नहीं, फौरन भगवान कृपा करके बिठाते, ये मेरे प्रभु की देन है, आए आए, ये मेरे इष्ट देव जी की देन है, ये उन्होंने मुझे दिया, हाँ मैंने मांगी है, पर दी तो मेरे भगवान ने है, तो ये तो उनकी जिसने दी है उसकी अमानत है, ये भगवान बिठाते हैं, मैं तो नहीं बिठा सकता आपके अंदर, जिसकी देन होती है उसी की अमानत है, ये तो मालिक की अमानत है, मुझे तो प्रयोग का अवसर दिया, मैंने तो इसका प्रयोग करना है मेरे भगवान की, अब मोह नहीं हो सकता। मोह तब होता है जब बार बार ये मन में बिठा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, जब आप बार बार मेरी मेरी कहेंगे अब जाके मन में बैठेगी, जब आप बार बार के मेरी है ही नहीं, ये है ही मेरे प्रभु की देन, हाय मेरे रब्बा, ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, वो ना भी मन माने मेरे कमले रमलो तो भी कहना सीख जाओ, नहीं भी मन मान रहा है लड़कियों लड़कों वाली माताओं, फिर भी बार बार को मेरी है ही नहीं, मैं लेके आया ही नहीं थी, मन में बैठ जाएगी ये बात, जन्म हुआ तो मेरी चीजें नहीं थी, और जब चीज छोड़ूंगी तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, यूं मैं आई थी, हाथ बंधे हुए थे, पैर सिकड़े हुए थे, और यूं हमने जाना। ओए मनवा सुन रहा हूं, हाथ पसारे आए जगत में, पांव पसारे जाओगे, मुट्ठी गलत बोल गया मैं, मुट्ठी बांधी आए जगत में, पांव पसारे जाओगे, हम हाथ पसारे चलो, पांव पसारे चलो, आते तो मुट्ठी बांधी है, कुछ लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, बस ये बात बैठी, मेरे प्रभु की अमानत है, सुनना मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, बस ये बात बैठा, मोह खत्म। आजमा लो, जिनके मन में मोह अभी है और मोह हमला करता है बुद्धि पर, बल्कि सारी कोई वृत्ति काम पड़ेगी तो बुद्धि मारी जाती है,
लोभ बड़े तो बुद्धि मारी जाती है, अहंकार बड़े तो बुद्धि मारी जाती है, लोभ बड़े तो बुद्धि मारी जाती है, है? इसको बचाने का तरीका भगवान का ज्ञान। और खुद भगवान जी हमारे इष्ट देव कह रहे हैं, नहीं शहजहां में कोई ज्ञान सी वो करे पाक पितरा जो इंसान की। भगवान जी के ज्ञान से बढ़कर और कोई साधन नहीं जो हमारे अंतःकरण को फिल फॉर निर्मल करे, शीघ्र अति शीघ्र निर्मल करने का साधन जो ज्ञान किसे कहते हैं, जो भगवान जी कह रहे हैं। वो सुनना मेरी बेटी हुई, आजकल जना कना ज्ञानी बना फिरता है। कौन सा ज्ञान जो भगवान जी ने गीता में दिया, जिसे गीता ने प्रिजर्व किया हुआ है, वो ज्ञान ध्यान देना, वही ज्ञान जो हमारे इष्ट देव जी ने दिया और गीता ने प्रिजर्व किया, उसी ज्ञान को समझ के हमने मन में रख लेना है। लो जिंदगी के दिन आराम से काट लो, वेरी ग्लैडली, पीसफुली, कामली एंड विदाउट एनी केयर एंड वरी। कितना अच्छा जीवन है जी, निश्चिंतता, कितना अच्छा जीवन है निश्चिंतता। भगवान करे ये सारी आप देवियां बन जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता दामन, आस्तक को कोई चिंता नहीं होती, नास्तक चिंताओं से मरा पड़ा है, आस्तक को एक भी चिंता नहीं। क्यों? जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, प्रभु मैं तो आपका बन चुका हूं, अब जो आप करेंगे उसमें मेरी भलाई है। अगर ये पाठ पक्का नहीं किया, हाथ को गीला करके दो मारो थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर, बाबा ओ बाबा, दो मार थप्पड़ है, थोड़ा यू यू करके नहीं मारने, हाथ यहां ले जाके यूं कस के मारने, भले ही बाद में आपको रोना भी पड़े कि मनुआ अभी तक ये बात पक्की नहीं हुई, ये तो इस मार्ग में पहले पक्की हो जाती है, मैं सब कुछ आपके, शादी की सब कुछ आपने, अपना तन अपना धन जो कुछ मां बाप से लाई सब उस श्रीमान के प्राई मां के पुत्र के चरणों में रख दिया, ये कह करके ये मेरे पति हैं, पात्र आके सो पति, सब कुछ दे दिया। जरा सा आपको शरीर के कोई भीड़ भड़ाके में हाथ भी लग रहा, क्या क्या ठीक, चलो आपका हाथ लगा मेरे साथ, और आप सब कुछ इस मां के पुत्र का, जरा हाथ किसी का अनजाने रूप में लग गया तो आपने क्रोध किया और आपने आंखें दिखाई उसको गर्मा गर्म, ज्वालामुखी बन गई तुम, अब इसे बोलते आत्मसमर्पण। बिल्कुल यही एक प्यारे भगत का हाल होता है, अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन भगवान के चरणों में समर्पित कर देता, तो जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती है। गीता कृष्ण आपको पार पार कर, अहंकार मर गया जब हमने सब कुछ मालक किया, है ही मालक का, कि हमने नई चीज दी कि अपनी ओर से चीज दी है, बुद्धि किसकी थी, भगवान की, मन किसका था, भगवान का, भगवान की वस्तु ही भगवान को दे दी, यही हमें हिंदू धर्म में हमारा चौथा पाठ है धर्म का, क्या तेरी वस्तु तेरी है। हमारा धर्म हमें यही चल के सिखाता है, जब जब हम आगे बढ़ जाती है, ये वस्तुएं किसकी थी, भगवान की, अब जब इस मार्ग में लग के कल्याण करना चाहती है तो तेरी वस्तु तेरी अर्पण, ऋषियों के शब्द संस्कृत में है, तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिय, हे प्रभु समाधि में हमने देखा, व्यास जी कह रही है क्या ये सब कुछ आपका है, सब कुछ लो, जब मेरी समाधि टूटी और मैं देह अवस्था में आया, मैं ये सब कुछ आपके अर्पण कर रहा हूं। बच्चे अभी आप पाठ पक्का कर लो, बस मोह नहीं रहता, और मोह को दूर करना हमारा काम है। मोह का मतलब क्या, मूर्खता, मोह का मतलब क्या, नलैकी, मोह का मतलब क्या, अमानत में खयानत है। हमारे हिंदू धर्म में दो बड़े भारी पाप माने गए हैं, आपको पता है, ए भड़ोलो आपको पता है दो बड़े पाप है हमारे हिंदू धर्म में, एक अमानत किसी की हो तो उसको अपनी मान जाए, और जब वो लेने आए तो मुकर जाए, जावे जा जो है मुक्का मार के दंत तोड़ दूंगी, तेरी थोड़ी है, मेरी है, अमानत उसी की है, अमानत में खयानत, और दूसरा आत्महत्या। ये दो बड़े भारी पाप माने जाते हैं हमारे धर्म में, है आत्महत्या
आत्मघाती महापापी और एक अमानत किसी की हो, तो ये तो सब कुछ भगवान की अमानत है। हम लाए नहीं थे, ले नहीं जाना, लो अब मुंह नहीं आएगा। अगर ये ना भी मन माने, मैं कहूंगा फिर भी कहो, फिर भी कहो, फिर भी कहो, पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। तो जुठाई पहले अंदर बैठी हो निकल जाएगी, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, जुठाई में तो कोई शक्ति नहीं होती। सप्तमे व जायते, हमारे शास्त्र का पन्ना पन्ना नहीं, शब्द शब्द पुकार के कह रहा है, सत्यमे व जायते न अनृतम, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठ की नहीं। इसी को कवियों ने साधारण शब्दों में कहा, सत्य का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। भले ग्रस्त आश्रम में हो, भले ही आपका व्यवहार है, भले ही आपको अच्छे अच्छे रूप नजर आते हैं, लेकिन मालिक ने, आपने मांगे हैं, हमने नहीं मांगे, भगवान ने नहीं दिए। भगवान का नियम यह है, मांगोगे तो दूंगे। हाय हाय, भगवान अपनी चीजों की बेकदरी नहीं करना चाहते। प्रकृति में नियम है, जैसी मांग वैसी पूर्ति, एज दी डिमांड सो दी सप्लाई। सवाल है डिमांड सप्लाई का, आपने डिमांड की, भगवान ने आपको दी? हाँ, हमने डिमांड नहीं की भगवान ने, हमने जो डिमांड की, हमें गीता दी, हमें ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि खोली, हमें श्रद्धा दी, हमें भक्ति दी, हमें एकाग्रता दी, हमें मितलीनता दे दी, हम ये मांगते गए, भगवान हमें ये देते गए। भगवान ने तो करारा वचन दे रखा है, क्या जो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। चौथे अध्याय का ये फरमान कितना चोटी का है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा ए भजाम्याहम्, जो मेरे पास आकर जैसा मांगता है मैं उसकी पूर्ति करता हूं। बाबा, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, करो, अगर भगवान हम जो मांगे देंगे तो प्रारब्ध क्या बनेगी? फिर पहले बनी प्रारब्ध पाचे मनुष्य अनुभवी संत श्रोमणी का फरमान, ये कहा जाएगा, वो बहुत अच्छे प्रारब्ध में जो जो होगा मिलना तो वही है, तो हमने मांगा तो वो क्या मिल जाएगा हमें? बेटी, ओ प्रश्न करता मेरे भैया, ओए ओ भैया, ओ खरा रुपया, हाँ सुनाऊ, हाँ, और कमलियों जी, आप मांगोगे वही जो आपकी प्रारब्ध में है। वो रब बड़ा स्याना जी, रब दे हाथ बड़े लंबे लंबे है, बड़े लंबे लंबे, आपकी जबान से वो बुलाने नहीं देंगे जो आपके प्रारब्ध में नहीं है। वाह बाबा वाह, एक पूरी ऊपर कड़ा खाना ही था, खा नहीं तो अपने रस्ते जा। वाह बाबा वाह, बेटी मांगोगे वही, भगवान मुंह से निकालेंगे वही जो आप जो होना है। आए आए। और रब बड़ा स्याना मेरी बेटियों, भले ही रब बीए नहीं पढ़े होया, एमए नहीं पढ़े होया, बी एड कोई बी एस सी भी नहीं है, तो फिर जो रब पढ़े होया ना वो आप नहीं पढ़े। और रब बड़ा होशियार है, बहुत होशियार है, वो मुंह से निकलने ही नहीं देंगे जो हमारी प्रारब्ध में नहीं है। ये पार वरना प्रारब्ध पर मजाक बन के रह गई, जो चाहो आप मांग लो, नहीं चाहना उठेगी कैसी? संस्कारों अनुसार, संस्कार आप लेके आए गए, वाह, संस्कारों अनुसार चाहना उठी है, बनाया है जो तेरी फितरत ने कराएगी, फितरत वही तुझसे कर्म। जैसे आप संस्कार लेके आए गए उसी तरह विचार और वासना उठनी है। कमले कहती, हम जो मांगे तो हमारी प्रारब्ध में तो होगा नहीं, और कमले जो प्रारब्ध में नहीं होगा तो इच्छा ही नहीं उठेगी, कामना ही नहीं उठेगी। अब ये हमारी प्रारब्ध में था हम कल्याण करें, और जो हमने मिट्टी पाई है यहां आने से पहले, अंगारे पाए, मिट्टी पाई, राख पाई, हाँ उसको धोए, ये अपनी मांगा है, और भगवान एकांत में आपको दे रही है, क्योंकि और ये आपके प्रारब्ध में था। मैं हर एक को कहता हूं, अगर किसी ने कुंडली ठीक बनाई है तो मुझ पर आप इतराज करो और मेरे मुंह में लगाम दे दो, अगर आपकी कुंडली में भक्ति ना लिखी हो तो। एनीवन जिस मेरी बेटी की कुंडली बनी हुई है, ठीक किसी ने बनाई है, जरूर लिखोगी भक्ति भाव, इतने में पैर जाएगा तो मन भक्ति की ओर लग जाएगा। अगर नहीं लिखा किसी ने तो उसकी बेवकूफी। अगर किसी कुंडली बनी हुई है, जंत्री बनी हुई है, किसी ने बनाई है अपनी, तो ये जरूर लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, इसका पैर 32 साल में जाएगा, उसके बाद इसके विचार बदलेंगे, इसका मन संसार से टूटेगा, भगवान में लगेगा। ये आपकी कुंडली में है, ये आपकी जंत्री में होना चाहिए, उसकी पूर्ति के लिए रब ने ये वातावरण बना दिया, क्योंकि अनेकों को चाहिए ये, अनेकों को, हां
अनेकों को, तो परमात्मा पूर्ति करवा रही, देख लीजिएगा। शाबाश, ये पूर्ति हो रही है, आपकी मांग है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार मांग। अब आप श्रीमान जी को कितना कहती रहती हो, देख लो कितनी हैरानगी के बाद कार बार खड़ी रहती है, श्रीमान जी वहां बैठे शिगार और सरगट पीते रहती है, अंदर नहीं आते। कितनी बार आपने कहा उनको, भगवान करे आज वो ना आए हो, कितनी बार कहा अंदर चलो ना, ना आपको मैं रोकता नहीं, मैं अंदर जाता नहीं। वाह, आपको तो मैं रोकता नहीं, हाँ तू जा, तो मैं ना यहां पर सरगट पीता रहूंगा। उनके संस्कार ही नहीं है, वो बाहर बैठे रहेंगे, वो नहीं अंदर आते या टहलते रहेंगे। अब सारी बात तो संस्कारों की है, जीव भी क्या करे उनके अपने संस्कार। ये देखो भगवान ने क्या कहा, यहां जबर से काम चलता नहीं। मेरे कई भाई मुझे नजर आ रहे हैं, जबरदस्ती अपने दोस्त को लाते रहे, क्यों है मां ने पुत्रा कितने दिन आया, बाबा तीन दिन, चौथे दिन यार मुझे क्षमा कर मेरा मन नहीं लगता। देख लो आप अपनी पत्नी को इतने प्यार से, इतने दुलार से और इतने आदर से लाए, कितने दिन आई, बड़ी मुश्किल से 6 दिन कटे जी, फिर की होया, फिर खून दिया उल्टियां आने लग गई, हजम ही नहीं होता। आप खून दी उल्टियां आई हैं, अगर फिर ले आओगे तो फिर खून की टटियां आन गई, अगर तीसरी बार ले आओगे तो राम नाम सत्य है, वही मेरे रब्बा हो में मर गया तो मेरे से लाने नहीं चाहिए। लाख पड़े कोशिश करो, क्या भगवान ने कहा, यहां जबर से काम। अब ये सिद्धांत है, इंसान फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम। ओए मेरे, किसी को ना जबर किया, आप कितने बार जबर किया, तब श्रीमान जी को ले आते हो, नहीं दिल लगता, दिल लगना है संस्कारों अनुसार, जैसे उनके संस्कार है, उनका ताश में दिल लगता है, उनका टीवी में रात के 12:30 बजे तक दिल लगता है, हैं लूडो में दिल लगता है कि सांप ने नीचे फेंक गया तो सीढ़ी ऊपर ले गई, ये स्नेक एंड लेडर्स की जो है गेम, इनमें मन लगता है। पर जहां अब ये बनाना है, देखो अब अनुभवी छोटे के शिरोमणि थे गुसाई जी, क्या गजब ठा गया, अनुभव करके बता गए ना, है कितने गजब की बात, तुलसी पूरब पाप से वो हरी चर्चा न सुगाए, पिछले जन्मों के पापों के कारण से भगवान की इतनी मीठी वाणी भी अच्छी नहीं लगती, वो तुलसी पूरब पाप से हरी चर्चा न सुगाए, जैसे ज्वर बुखार, बुखार चढ़ाओ 104 पर, वो जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, नींद भूख उड़ जाती है जब बुखार ठाठी मार रहा हो। ये तो पूर्व संस्कारों की बात है, पूर्व बड़ा अच्छा कीर्तन कभी कभी मंदिर में चला करता है, ओ सांवरिया गिरधारी बिन भागा जपया नहीं जाता, बिन किस्मत जपया नहीं जाता, वो बिन भागा जपया नहीं जाता। बड़ी जल्दी ये पक्का कर, ये सब कोई भगवान का मन हुआ, जबर से छोड़ के जाना, ये कल तो दिन आ रहा है, कल छोड़ के जाएंगे, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है बिल्कुल तैयार रहा करे, और जब सवेरे आंख खुले, शुक्र मैं दाता एक दिन आपने मुझे और दे दिया, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी, एक एक दिन 50 साल के बाद, गनीमत गनीमत निकालो, व्यास जी का पुराण आपको कह रही है, कल युग में 50 के बाद एक एक दिन गनीमत। वो सुनो मेरी सिर में कंघी मारने वाली बेटी, 50 साल के बाद एक एक दिन मानो गनीमत है, बड़ा अनमोल है, भगवान ने दे दिया और कर ले। फिर अगले दिन सो गए, फिर सवेरे उठे, सांस चल रही है, हाँ उठ बैठी है, हाँ पता नहीं रात को सुती नहीं सो गए, हाँ भगनी मत, ये भगवान की बड़ी दया कि भगवान हमसे मुझसे और पुण्य करवाना चाहती हैं और अपने भजन करवाना चाहते हैं। ये बात तो बार बार ये कहिएगा, क्या सब कुछ मेरे भगवान की, ये काया भी भगवान की और पासल माया, काया और माया क्या, इस शरीर के साथ है, इसके विचार
इसकी बुद्धि, इसके माँ बाप, इसके बहन भाई, इसकी पति पत्नी, इसके बाकी चीजें जो पैराफर्नेलिया या बाकी जो हमारी प्रॉपर्टी है, हाँ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल जो हमारी संपत्ति है, वो क्या सब भगवान की। अब क्या होगा, अकल आजाद जंजाल से, अब क्या होगा, निकल जाए तू मोह के जा, अब आपकी बुद्धि अपना पूरा काम करने लग जाएगी। निर्मोही ना बनो, कम से कम विचारवान तो बन जाओ। बाबा ये क्या बात बनी, विचारवान बनेगा तो निर्मोही अपने आप ही। चलो मैं यही कहूंगा, निर्मोही नहीं बनती ना बन, विचार विचारवती तो बन जा। विचार का मतलब ये सब कोई भगवान की, ये कितनी सिद्धांत है, कितनी सच्चाई है, लेके नहीं आए थे लेके नहीं जाना, बिल्कुल ठीक है, हम लेके नहीं आए बिल्कुल, और जाती बार लेके नहीं जाएंगे बिल्कुल, सबको यही धरा रह जाना है सब कुछ। इसलिए तो हमें जोर का चोट मारी जाती है, छाती के ऊपर चोट, मन के ऊपर चोट। जाएगा जब जहां से ओ मेरे मनवाए, ओ जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, ओ दो गड़ा तेरा लिबास होगा। मन को समझा लो, कितनी सच्चाई है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और शायद आगे काला वक्त आ रहा है, जो जिसने कमीज कपड़ा पहन रखोगा वही कफन बन जाएगा। चूंकि थोक के भाव जी मरनी है, परचून के भाव मरे तो कोई कफन भी दे, और जहां सैकड़ों मर जाए एक दिन में इकट्ठे ही, कोई कोई बम का गोला पड़े या कोई बीमार, फिर कौन देगा कफन, जो हमने पहन रखा होगा वही कफन। तो जाना तो कुछ नहीं ना, मन को पक्का कराओ, बस मन आपका बुद्धि छूट जाएगी, बुद्धि छुट्टी तो मन फौरन हाई थिंकिंग में, हाई थिंकिंग है तो शुभ विचार अपने आप आ जाएंगे, हो गया बेड़ा पार। जल्दी करो इसके अनुसार के हो अकल आजाद जंजाल से, जंजाल में क्यों फंसी, उनको के अटैचमेंट हो गई गलती से, मूर्खता से, काया को अपना कहा, फिर काया के साथ जो चीजें थी उनको अपना कहा, मर गए फिर हम। अब बार बार हमने कह ना काया मेरी, ना माया मेरी, ना काया मेरी ना माया, दो शब्द कितने अच्छे हैं, ना काया मेरी ना माया मेरी, ये दोनों ही तो मेरे भगवान श्याम सुंदर के हैं, कितना अच्छा पाठ। फिर क्या होगा, हो जा आजाद अकल जंजाल से, जंजाल को बोलते हैं दल दल, जंजाल को बोलते हैं जिसमें विक्षेपता पैदा हो जाए, जंजाल कर जो भगवान जी ने लिए ना विक्षेपता, वो जंजाल है आपके लिए, चाहे माता जी है, पिता जी है, बहन है, भाई है, धन है, नौकरी है, चाहे कोई भी, जिससे विक्षेपता होती है। सुन मेरी बेटी सुन, आपको राज की बातें बताऊं, नाम तेरा गुप्ता, गुप्त गुप्त बातें मुझे पता है, मां दीदी गुप्ता नाम रखवाई फिरती है, गुप्त बात तो गीता में भरी पड़ी, तू किस नाम की गुप्ता है, पता नहीं बाबा हमें गुप्ता नाम रखे हुए, और गुप्त बातें गीता जी में लो, कितने राज की बातें हैं। एक कमली रमली गुप्ता, हाँ बाबा, ये देखिए ये इल्मे सही गए, ये राजे सही, रॉयल गीता इज इक्वल टू रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट, इससे बढ़ के कोई नॉलेज नहीं था ना होगा, इससे बढ़ के कोई राज की बातें नहीं थी ना भविष्य में होगी, कितनी छोटी की शिक्षा गीता। तभी तो रब ने मेरे भाग अच्छे जो मेरे सुपुर्द गीता का प्रचार कर दिया, और आपके मेरे से ही बहुत अच्छे जो गीता को सुन के अपना रहे हो, गीता का शौक पैदा हो गया, भगवान की ज्ञान के शौक, अपनाने का शौक, सुनने का शौक, और इतने एकांत में शहर के शोर गोल से एकदम बाहर, एकदम बाहर, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा, ये मां ने क्रोध किया आपके तो काम आ गया, जब मां ने क्रोध किया तुझे क्या कहता, दोनों हाथ मारे थे और क्या कहता, जा दिए रावी ना कोई आवी था ना कोई जावी, जा दिए रावी ना कोई आवी थे ना कोई जावी, तो आपको सीधा बह गया जा, एक हाथ आपको बिल्कुल सीधा पड़ा, फिर करके माँ एक बार फिर कहे, फिर से पुठे हाथ मार, जा दिए रावी ना कोई आवी थे ना कोई, आज सीधा बह गया, आज बहुत अच्छा बह गया, कुब्बे ने लत पई तो आज सीधी आई, वाह माँ तो एक बार फिर कहे, वाह इतना एकांत, आओ मिलजुल के पक्का कर ले, और जल्दी पक्का कर ले।
सब कुछ में कितना और कितनी सच्चाई है, हम अपने मन को मनाई बैठे हैं, आप भी मना लो। कितने सच को कल्पना नहीं, कोई सपोजिशन नहीं मेरी बेटी, कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच्चाई है, सिद्धांत है, सब कुछ भगवान का। काया भी उन्होंने बनाई है, हाँ माया भी उन्होंने दी है। माया का तो धर्म न समझा करो, जो कुछ आपके पास है उसको हमारा हिंदू धर्म कहता है माया। माँ बाप भी माया के अंदर आते हैं, बहन भाई माया के अंदर आते हैं, पति देव जी, पत्नी, बाल बच्चे, मकान इत्यादि, जितने मैं कह रहा हूं, चल अचल पदार्थ, चलने फिरने वाली चीजें, वो भी माया में आती है। और धन पदार्थ, मकान, जमीन इत्यादि, इसे बोलते हैं चल अचल, मूवेबल इमूवेबल, जितनी प्रॉपर्टी है वो सब माया में आती है। तो किसकी है? भगवान की। और कभी जब लेटा करो ना आप, और लेटा करो, जब यूं हम लेटती हैं मनुआ, अगर यूं ही सुत्ता सो गया तो सब कोई धरा रह जाएगा। हाँ, तो अभी क्यों ना पक्का कर ले, जब भी रात को लेटा करो तो ये क्या करो, ये आधी मौत होती है बच्चे। क्या आधी मौत? क्योंकि श्वास शरीर ले रहा होता, और जब मौत होगी तो श्वास ही बंद हो जाएंगे। तो जब भी हम लेटी ये कह रहे मनुआ, अगर इसी में सो जाए तो सबको यही रह गया, तो अभी क्यों ना पक्का कर ली, सब कुछ मेरे भगवान जी का है, ये सब कुछ मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण का है, मैंने मांगा है, मेरे प्रभु ने मुझे दिया, कितनी सच्चाई है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो अक्ल आजाद जंजाल से। ये कब जंजाल से छुट्टी? कब निकल जाए तू मुंह के जाल, निकलो नेक जीवो मुंह के जाल से। हम आए गए भगवान के ज्ञान द्वारा आपको मुंह से निकालने, निकलो, सब कुछ आपके पास रहेगा, आपने भीतर घर पर छोड़ के बाहर नहीं आ जाना, सब कुछ आपके पास रहेगा, सब कुछ, लेकिन आप इन प्राणी पदार्थों को अपना नहीं मानेंगे, इस काय को भी अपना नहीं मानना, ये भी अपने चार दिन काम करके शमशान में लेट जाएगी, सड़ जाएगी, ये भी हम इसका प्रयोग करें, प्रयोग कर भी रहे इस काय का, और लेकिन भगवान की समझ के लो बुद्धि छुट गई। कितना चोटी का पाठ है ये, बुद्धि छुट गई मेरे बच्चे, बड़ी जल्दी बुद्धि आपके आजाद हो जाएगी, मन को संभाल लेगी, बुद्धि छुट्टी मन को संभाल लेगी, शाबाश शाबाश शाबाश, मन को फौरन संभालेगी, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। माँ को घश आ गई, हाँ घश आ गई, तो माँ जो है लेट गई, अब पास ही बच्चा सोया हुआ था, अब वो बार बार मुंह पर आता, अम्मा 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 मुझे उठा ले अम्मा, तो माँ को तो बेहोश आई पड़ी है, अम्मा मुझे उठा, उसने हिम्मत मारी, माँ की छाती के ऊपर आ गया, माँ मुझे उठा, अम्मा मुझे तत्ती आई है, मुझे पिताब आया है, अम्मा ऊपर तेरे छाती कर दूंगा, माँ मुझे उठा, माँ मुझे तत्ती आई है, माँ को होश आ गई, बच्चे क्या, माँ मुझे उठा, मुझे तत्ती आई है, अच्छा, और फौरन संभाल लेगी, चल बच्चा ना ऊपर रहता ही, मेरी पत्नी क्या हो गया था, चल मैं ले जाती हूँ बाथरूम में, चल मैं सब कुछ माँ कर लेगी। रब करे किस तरह हमारी बुद्धि की माँ उठ बैठे और मन को संभाल ले, मन अबोध है, मन कमला है मेरी देवियों, जोर दो कि बुद्धि आजाद हो जाए, जैसे बच्चे ने बड़ा सके जो बार बार कह कह के मां की घश तोड़ दी, हम भगवान की वाणी से बुद्धि की घश तोड़ देंगे। वो तो बच्चे का जगाना, बच्चे का बार 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 मुंह पर हाथ लगाना, इधर उधर उठना, ऊपर चढ़ के बार बार खप मचाना, तत्ती आइए तत्ती आइए मां तत्ती आइए, शुक्र है आंख खुल गई मां की, घश टूट गई, हमारी भी जन्म जन्मांतर की ये घश टूट जाएगी। देखो आपके प्रभु क्या कला रहे हैं मेरी जबान से, वो जो हो अकल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा, सुनी बात से भी करे इतरार, रहे अन सुनी से भी तू बेनिया। फिर जो संसार संबंधी बातें सुनी, मन वैरागी हो जाएगा और नहीं सुनने का शौक नहीं रहेगा। आहा, जब अकल अकल के मुंह से टूट जाएगी, अकल जब बिल्कुल आजाद हो जाएगी, अकल जब जागृत हो जाएगी, सजग सतर्क हो जाएगी, तो संसार संबंधी सुनी बातों से मन टूट जाएगा, नहीं सुनने का शौक नहीं रहेगा, फिर मन क्या बुद्धि कहां गई, भगवान के चरणों में। आहा, प्रभु के चरणों में बुद्धि गई, बुद्धि चरणों में गई तो मन को खींच लेगी, चूंकि बुद्धि ड्राइवर है, मन लगाम है, शरीर घोड़े है, ओए मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान,
अगर सारथी या ड्राइवर अच्छा हो गया तो लगाम अपने आप हाथ में आ गई, मन अपने हाथ में आ गया, मन हाथ में आ गया तो घोड़े सीधे रास्ते पे चल पड़े। एक बुद्धि के ठीक हो जाने से, एक ड्राइवर के ठीक होने से लगाम भी पकड़ी गई, घोड़े भी पकड़े गए और रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान जोर दे रही है, मेरे सजनों बड़ा भारी उपकार है प्रभु का, ओए प्रभु का बड़ा उपकार है, ओ मेरी देवी हो जो हमारी बुद्धि के आवरण तोड़े जा रहे हैं, बुद्धि के पर्दे उतारे जा रहे हैं और इतना प्यार से कह के हमें जगाए जा रहे हैं। ओए हो अकले आजाद जंजाल ते, दो शक्ति प्राणनाथ इष्टदेव अंतर्यामी और आवर बेस्ट गाइड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा, हमें शक्ति दो। ओहो अकले आजाद जंजाल से श्री भगवान वाद, निकल जाए तू मोह के जाल से, मर गोता अपने अंदर, सब कुछ आपके पास रहेगा लेकिन आप निर्मोही हो जाएंगे। ये भी क्या मजा आया, मर के अगर शोर छोड़ा, जबरदस्ती चीजें छूटी तो लानत, फिर गंदा जन्म होता है जब हम जबरदस्ती श्री छोड़ते हैं, पर जब खुशी से छोड़ देते हैं, इनको अपना नहीं माना, भगवान का माना, प्रयोग भी करते रहे, घर में भी रहे, परलोक भी बना लिया, लोक में रहे परलोक भी बना लिया, कब, जब मन भगवान में लग गया, इनको अपना नहीं समझा, समझे मेरी देवियों सजनों, इनको अपना नहीं समझ, इनका व्यवहार तो हमने किया लेकिन इनका इतबार नहीं किया, और मन फिर क्या हुआ, मन भगवान में लगा रहा, इनको सुख देते रहे, इनसे सुख लेते रहे, ये तो भगवान कहते हैं सुख दो सुख लो, लेकिन इनको अपना नहीं समझना, चुके छोड़ जाना है, नहीं लाए थे ना लेके जाएंगे। हा जब भी कभी मोह मन करने लगे ना, या गलती में पुरानी स्वभाव बस जाने लगे, चाबक मार दिया करो महापुरुषों के अनमोल बोल का, जो बेवकूफियां कर गए और अखीर में कुछ भी नहीं ले गए, तो महापुरुषों में समझा गए हैं, ऐसे फिर उनके बोल हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे, नल वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आंखों के सामने रखो, ना वो भी ले गए कुछ साथ वो जो मुल्कों के वाली थे, वो देखो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये बोल उसी मौके पर तक आएंगे जब मन फिर नलायकी से किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट करने लगेगा, किसी वस्तु के साथ मुंह करने लगेगा, मनवा क्यों बेवकूफी करता है, तूने परलोक बनाना है, वो देख ना वो भी ले गए कोई साथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। समझा लो अपने आप को, समझा लो मेरी भगवती, ये विषय जारी रहेगा क्या, जो हो अकल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के, क्योंकि ये हमारी जंक्शन है ना, बाकी मन और बाकी स्टेशन छोटे स्टेशन है, ये जंक्शन है, जैसे हमारा कैंट जंक्शन है और चारों ओर की आने वाली गाड़ियों को संभाल रहा है, कंट्रोल रूम बना हुआ वहां बड़ा शानदार, और कंट्रोल रूम चारों ओर से जो गाड़ियां आ रही है वो उसको संभालता है, हाँ आप आ सकती हो, नहीं अभी पिछले स्टेशन पर रहो, लाइन क्लियर नहीं है, वो बोलता रहता है कंट्रोल मैन में बैठा हुआ आदमी। अच्छा तो ये तो हमारा कंट्रोल स्टेशन है, वी कैन से इट इज जंक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा इसलिए परमात्मा कहते पहले इसको जगाओ, पहले इसको उठाओ भगवान के ज्ञान से, आहा जरूर उठे बैठेगी। मेरे प्रभु मुझे और शक्ति दें, मैं इस पे और भी प्रकाश डाल डाल के जो कमी है आपकी बुद्धि में वो पूरी हो जाए, बुद्धि आपकी सतर्क सजग हो जाए, बुद्धि आपकी बिल्कुल जाग उठे, क्योंकि बुद्धि ने जागने के बाद मन को संभालना है, मन ने चित्त और अहंकार को संभालना है, इन तीनों के जाग जाने से एक एक अंग संभल जाएगा, ये हमारी आंखें, ये हमारे कान, ये हमारे मुख, ये हमारे हाथ, ये हमारे बाकी अंग सब के सब संभल गए जिसकी मन और चित्त दोनों जाग उठे। जैसे मां ने अपने बच्चे को जगा लिया, जगा ली तो फिर क्या हुआ, बिल्कुल बच्चे को बच गया, सब कुछ हो गया ठीक, सब कुछ आपको ही बताने की जरूरत है,
जबकि हमारी हिंदुओं में हमारी बूढ़ी माताएं बड़ी बूढ़ी ये गाया करती हैं और सवेरे तब जाके स्नान करती हैं और स्नान करती करती गाती रहती है, स्नान करने के बाद भी एकांत में बैठ के जपती हैं, नागनी नाग जगा लिया भुजा मरोड़े पैर चुम्मे, नागनी नाग जगा लिया गीता सुनी हमने गीता पढ़ी प्रभु हाँ सोई हुई बुद्धि जगाली, सोई हुई बुद्धि जगाली मेरे मालिक तेरी चरणों में लगा गदी। इसलिए ये मालिक जोर दे रहे हैं, ये जाग गई सारे अंग रास्ते पे आ जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी के आधार पर मन है, मन के आधार पर तन के कर्म है और कर्मों के अनुसार में खट्टा मीठा फल मिलता है। जैसे प्रसंग मेरे प्रभु हमारे लिए चला रही है ऐसी ही हमारी आंतरिक अवस्था बन जाए और बुद्धि बिल्कुल मोह ममता और वासनाओं से छूट जाए ताकि हम पूरी पूरी साधना कर सके। आहा मन का शुक्रिया करें, शुक्रिया से भरे हुए इन शब्दों का उच्चारण करें और मेरी बेटी भगवान का शुक्रिया करके चले, भगवान का धन्यवाद दे के चले। बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गीता का ज्ञान दिया, मैं और आप दोनों बड़े, क्योंकि मैं भी कल्याणकामी हूं, आप भी कल्याण का, मैं भी सुनाने के लिए नहीं सुनाता, आप भी सुनने के लिए नहीं सुनते, हम दोनों कल्याण करने के लिए भगवान के ज्ञान का गीता जी का सहारा लिया है और हमारे बड़े काम आ रहा है भगवान का ज्ञान। आओ मेरे साथ भगवान को आजर नाजर जानते हुए भगवान का शुक्रिया करें इन प्रेम भरे शब्दों द्वारा। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया मेरी जिंदगी में, बड़े प्रेम से बहुत प्रेम से आए, बहुत अच्छे आ मेरे प्रभु जी मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया मेरी जिंदगी। हाय जरा गुजरी जिंदगी पर नजर मारो, खुशी और गमी में मेरे लप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया खुशी और आए मेरी जिंदगी में वो तेरा एक सहारा है बहुत काम आया, बहुत काम आया मेरी जिंदगी बहुत अच्छे खुशी और गमी में ओए मेरे लप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया खुशी हाय खुशी
खुशी और गमी में मेरे लप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी काम आया, बहुत काम आया मेरी जिंदगी। हाय हाय हाय, खुशी और गमी मेरे लप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी हार्दिक धन्यवाद सजनों, ओ देवी ओ मन भर गया, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सुखना सर्वे संतु निराया सर्वे भद्रान पश्यंतु माता ची दुर्भाग बने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।